तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ कॉपी गेम जो कि प्ले स्टोर पर है। और सच बता रहा हूँ यार, लास्ट वाला देख के तो तुम लोग भी बोलोगे तो ये फीचर तो माइनक्राफ्ट में भी नहीं है और ये माइनक्राफ्ट से भी बेटर है। तो हमारा सबसे पहला गेम है मास्टर क्राफ्ट बिल्डिंग। भाई सब शुरू में तो एकदम सेम बना के रखा है इन्होंने। ओके, तो यार इन्होंने गेम भी पूरा का पूरा छाप के रखा है। ये देखो यार, यहाँ पे शिप घूम रही है और ये भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसी है। कोई देख के बता ही नहीं सकता है कि मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा हूँ। सिस्टम पार देंगे। ये देखो यार, सारे पेड़ वेड़ सारी चीजें, सारी चीजों इन्होंने सेम बना के रखी है। और अब बारी हम लोग की इन्वेंटरी की, तो यार चलो फटाफट से इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाई साहब इन्वेंटरी भी बिल्कुल सेम है, बस गुलाबी गुलाबी सा कर दिया इन लोगों ने। बाकी अब बारी है हम लोग के नेदर की, तो फटाफट से चलते हैं नेदर के अंदर। और ये हमने नेदर बना दिया है, अब इसको लाइट अप करते हैं, चलते हैं अंदर। और हम लोग नेदर के अंदर आ चुके हैं, अभी तक तो सब सेम साइज दिख रहा है। और भाई साहब मैं गिर गया भाई। ओ भाई देख रहे हो क्या किस्मत है भाई मेरी, ये यहाँ पे मैंने नेदर पोर्टल स्पॉन हुआ और ये यहाँ से मैं नीचे गिर गया। कि यार इन लोगों ने नेदर भी बिल्कुल सेम सा बना के रखा है, एकदम छाप दिया है। तो ये हमारा नेक्स्ट गेम जिसका नाम है क्राफ्टमैन नेक्स्ट जनरेशन। तो यार ये इसकी सेटिंग, एंड चलो प्ले पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यार वर्ल्ड तो बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसा छाप के रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल ही सारे सारे जानवर वानवर सब एकदम छाप के रखे। ये देखो यार, यहाँ पे ये टर्टल है, एंड और अगर आगे जाएं तो यहाँ पे हमको सुअर मिलेगा। कैसा है भाई सुअर, तू चल निकल यहाँ से, गजब बेइज्जती है। कि यार तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सैंड के ऊपर घास उगी हुई है। बाकी यार पूरा पूरा वर्ल्ड इन लोगों ने बिल्कुल ही सेम बना के रखा है। और ये देखो यार, यहाँ पे सैंड के ऊपर ग्रास उग के रखी हुई है, ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। तो ये है माइनक्राफ्ट की इन्वेंटरी जो कि बिल्कुल ही सेम है। और अब हम लोग चलते हैं नेदर के अंदर, और प्लीज गॉड इस बार मेरे को दे देना अच्छा स्पॉन। ओके, तो यार हम लोग आ चुके हैं नेदर के अंदर। और ये कैसा स्पॉन दिया है यार इन लोगों ने, मतलब यहाँ से मैं नीचे गिर ही जाता अभी इस तरह से। ये देखो यहाँ से मैं ऐसे गिर जाता। बाकी इस गेम का नेदर भी बिल्कुल ही सेम लग रहा है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस भी नहीं रखते यार ये लोग, मतलब बिल्कुल ही छाप दिया है जैसा कि तैसा। अब है हमारा बेस्ट एंड लास्ट गेम जिसका नाम है सुपर क्राफ्ट। और प्ले पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोड देखने को मिल जाते हैं, तो इन मोड को खेलने का अभी टाइम नहीं है, हम लोग खेलेंगे डायरेक्ट क्रिएटिव का मोड। भाई साहब ये देखो यार, मेरे को पानी के अंदर स्पॉन दे दिया इन लोगों ने, मतलब पानी के अंदर स्पॉन कौन देता है यार, मतलब। और यहाँ पे इसकी इन्वेंटरी कुछ इस तरह से दिख रही है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसकी इन्वेंटरी के अंदर नई नई, जैसे कि ये देखो जेब्रे की स्किन। बाकी मैंने अभी इसकी इन्वेंटरी से बहुत सारी चीज़ें निकाल ली, अब मैं देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी आप लोग को मेरे हाथ में तो एक चीज़ कमाल की दिख ही रही होगी, तो इस चीज़ को ओपन लॉक करते हैं फटाफट से स्पॉन थोड़ा आगे जाके, एंड यहाँ पे कर देते इसको स्पॉन। और ये देखो यार इस गेम के अंदर कार भी है, और एक कमाल की चीज़ ये भी है कि हम लोग इसको चला भी सकते हैं और इससे उतर भी सकते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा स्पीड है यार इसकी, उतर चलो चलो। तो यार इस गेम के अंदर एक और कार है जो कि ये है, और ये कुछ इस तरह की दिख रही है। बाकी यहाँ पे एक छोटी मोटी कार भी है जैसे कि ये, एंड इसको स्पॉन करते हैं कोई पुराने ज़माने की खटाला से कार आ जाती है। बाकी और भी चीज़ें इस गेम के अंदर जैसे कि जेब्रा स्किन, इससे कुछ नहीं होता है, ये काउ का स्पॉन है ये। और बाकी ये है राइनो, भाई साहब ये तो माइनक्राफ्ट के अंदर भी। बाकी एक और स्पॉन है जो कि है टाइगर का। तो यार ये देखो यार, माइनक्राफ्ट के अंदर टाइगर आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग को एक ये छोटा सा कुछ है कीड़ा, इसका स्पॉन है गे। और यहाँ पे एक मछली है जिसका स्पॉन है गे। बहुत सारे स्पॉन है गे, आप लोग ट्राई कर सकते हो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना।